अम्मा जा रही है मन। चलिए फ्रेंड चलते हैं। हम जा रहे हैं मंदिर। ओके फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे। गुड इवनिंग। ये वीडियो मेरे शनिवार की है, इसको मैं भूल चुकी थी। मम्मी शनिवार के दिन मंदिर में जाती है, तो उसी दिन की है। मंदिर में सूट करके लाई थी, जिया गई थी मम्मी के साथ में। तो यहाँ पे शनि देव की पूजा होती है, पीपल के नीचे सब दिया जलाते हैं शनिवार के दिन, और सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं यहाँ पर दिया जलाने से। जब भी मम्मी यहाँ पर दिया जलाना भूल जाती है या फिर नहीं जला पाती किसी कारण से, तभी से घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जब ये मंदिर में आना शुरू कर देती है शनिदेव पे, तो घर में सुख शांति भी बनी रहती है और पशुओं में भी अच्छा खासा रहता है। नहीं तो पशुओं में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हरज मरज बीमारी। और गांव में हम लोगों के पास होता ही क्या है, सबसे ज़रूरी होता है हमारे लिए पशुओं का ठीक ठाक रहना। उनसे हमें दूध, खाद, ईंधन सब कुछ उन्हीं से मिलता है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा खजाना हमारी जो गाय भैंस है वही है। मम्मी हमेशा जाती है शनिवार में, जिस दिन भूल जाए उसी दिन पशुओं में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मंदिर हमारे यहाँ गांव का सिंपल सा ही है, साधारण सा, काफ़ी खुला खुला है। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। काफ़ी पुराना है मंदिर, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मरम्मत नहीं करवाता, जैसा है बस ऐसा ही है पहले से ही। हम भी इसको देखते आ रहे हैं, जब से इस गाँव में हमारी शादी होके आई है तब से इस मंदिर को हम ऐसे ही देख रहे हैं। तभी से ही चारों तरफ से खुला है, दीवार भी जो है एक दो तरफ ही है, नहीं तो खुला हुआ है मंदिर सारा। ये काली माँ का मंदिर है, यहाँ पे भी दिए जला रखे हैं सबने। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं घर। मंदिर के भी दर्शन हो गए, और भगवान मुझे भी थोड़ी सी वीडियो बनाने की शक्ति दे, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो बनाना सीख लो, वीडियो बनाना नहीं आता, दो साल से मैं लग भी रही हूँ। ये देखो चाची कहाँ जा रही है? और फोन पे भी पूजा करेगा ना पूरा चला तो कर लो। फोन तो चले भी सकती का तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मायके। आप सबको भी घुमा लाते हैं। आप भी कह रहे थे कि कब जाओगे आप अपने मायके, आज जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने नहर की वीडियो बनाई थी, पर इसमें पानी बहुत कम था, शायद अभी पानी नहीं आ रहा है। अब की बार अक्की पहले ही चला गया था अपने मामा के साथ में, तो इतनी भीड़ नहीं हुई बाइक पर, आराम से जा रहे हैं हम। परेशानी भी नहीं हो रही कुछ भी, क्योंकि हम तीनों ही हैं, मेरा भाई, मैं और जिया, हम तीनों ही थे। और थोड़े से कपड़े थे बैग में, ज़्यादा दिन के लिए मैं जा भी रही हूँ, थोड़े दिन के लिए ही जा रही हूँ। आप सब पूछ भी रहे थे कि आप मायके जाओगी तो मोनिका कैसे करेगी ऐसी हालत में काम। तो वहाँ पे मम्मी भी है और बड़ी दीदी है, किट्टू भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई देती है छोटे छोटे कामों में। वैसे मैं थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रही, इसी वजह से। यहाँ पे मैं देख रही थी कि बैग कहीं उस पर ना लग रहा हो, बैग जल जाता है बहुत बार अगर हम ध्यान नहीं करते। घर हम अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही। मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ी सी पंखे की हवा ले लूँ, उसके बाद ही नहाने के लिए जाऊँ, गर्मी लग रही थी। कल आने के बाद फिर कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, और अभी मैंने दोपहर से शुरू की है अपनी वीडियो। आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल, कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में और पकौड़ी बनाने की तैयारी है। पकौड़ी बनाऊंगी सबसे पहले। छोंक भी तैयार है, छोंक मम्मी ने काट दिया था। मम्मी को बुखार हो रहा है, वैक्सीन लगवाई थी मम्मी ने, तो हल्का सा बुखार तो होता ही है लगवाने के बाद, और एक दो दिन रेस्ट भी करना चाहिए तभी जाके आराम लगता है। तो फिर अभी मेरी ड्यूटी लग गई है पहले किचन में। पोछा तो मैंने लगा दिया है, कपड़े मेरे गिल्ले हो रहे हैं पोछा लगाने में, देखिए क्या हाल हो जाता है। आप सब जानते ही हैं कितना बड़ा घर है हमारे, यहाँ पोछा लगाने में ही इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर कुछ और काम करने की हिम्मत ही नहीं रहती। पर मैंने सवेरे सवेरे ही लगा दिया पोछा, फिर पूरा दिन अपना आराम से और काम करते रहो। थोड़ा सा अभी किचन के लिए सामान भी लेने जाना है, आज बाज़ार भी जाऊँगी, देखती हूँ शाम के टाइम में जाऊँगी। सामान लाना पड़ेगा किचन का, बहुत सारा सामान है जो नहीं है किचन में। मम्मी का बाहर कहीं जाना होता नहीं क्योंकि अकेली है, घर को छोड़ के कैसे जाए अकेले। यहाँ पे कोई आता नहीं बेचने वाला, अगर आता भी है तो हमारे यहाँ से सड़क बहुत दूर पड़ती है तो पता ही नहीं चलता क्या आया बिकने के लिए क्या नहीं। घर पीछे की साइड हो गया ना हमारा, ज़्यादा ही पीछे हो गया। तो अभी पहले उतार रही हूँ पकौड़ी, पकौड़ी उतारने के बाद फिर छोंक लगा लूँगी। अभी मम्मी छोंक काट के लाई है, बैठे बैठे मम्मी ने छोंक तो काट दिया था। अभी इन दवाई भी ली है, आराम हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में ही। पकौड़ी उतारने के बाद फिर मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया था और इसी में फिर छोंक डाल दिया। लहसुन प्याज साबुत मिर्च मेथी दाना ये सब डाल दिया है और अभी जल्दी से हो जाएगा क्योंकि तेल तो काफ़ी गर्म था, छोंक भी जल्दी हो जाएगा। चावल भी भिगो के रख लिए थे, पकौड़ी यहीं पे रखी हुई है, इनको मैं उठा के रख दूँगी, नहीं तो बच्चे एक एक दो दो में ही खा जाएंगे, अभी उन्हें पता नहीं था। और हमारे यहाँ चिनाई भी चल रही है, चिनाई जो बीच में रुके हुए थे मकान उन्हीं में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो देखिए सीमेंट छान रहे हैं नीचे क्योंकि सीमेंट में डली वली सी आ जाती है, उसको छान के ही लिपाई करते हैं, नहीं तो फिर वो सीमेंट उतरने का भी डर रहता है और अच्छे से सफाई नहीं आ पाती लिपाई करने में। तो ये भी बेचारे दो पैर में ही लग रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है इन्हें, अभी थोड़ा सा ही काम रह रहा है बस, बाकी तो सारा हो चुका है मकान हमारे। अभी इधर वाला बरामदा भी बनेगा जो ये सामने दिख रहा था, जो उनसे पे छत पे चढ़े हुए हैं, ये वाला बरामदा हमारा भी बनने वाला है। ये मेरे चाचा जी के मकान है, उनके में लग रहा है अभी काम, फिर हमारे में शुरू हो जाएगा। दो पैर का सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका था, अभी मुझे शाम के टाइम मार्केट भी जाना है, कुछ लेके आना है। अब जैसा कि मैं बता ही रही थी किचन का सामान लेने के लिए जा रहे हैं अभी मोरना। हमने अपने बाज़ार में भी ट्राई किया, बाज़ार में कुछ सामान मिल रहा था कुछ नहीं, फिर हम मोरने आ गए, मोरने से लेके जाएंगे सारा सामान। यहाँ से हम बर्तन भी लेंगे, एक तो मुझे टी पैन लेना है और एक घी रखने की तौनी लेनी है। हमने सारा सामान खरीद लिया था तो अभी बस पैसे देने थे, दुकान वाला कहीं चला गया था अभी आया है, तो अभी हम घर आ गए हैं सारा सामान लेके। अभी मम्मी देख रही थी सारा सामान, ये कप हैं, कप रख के आ रही है, कभी बच्चे उठा के इनको फोड़ दे एक दो को, तो अभी मम्मी कप रखने के लिए गई है। कप भी लाई हूँ मैं, 12 कप थे इसमें, 12 कप का सेट है। और ये जो सारा सामान है इनको देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सैनिटाइज़र कर दिया था मैंने आते ही सारा सामान। अभी पहले इनको धो के रख दूँगी तब जाके इनको किचन में लगाऊँगी, कल लगाऊँगी, अभी तो गर्मी हो रही है और शाम का टाइम भी हो रहा है। लाने में थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि थैला वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे, फिर हाथ में ही लेके आना पड़ा सारा सामान और लाने में दिक्कत हो गई। मम्मी तो ये सोची थी कि यहीं से बाज़ार से लाई है, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ कुछ नहीं मिला था, फिर हम मोरने से ही लाए हैं सारा सामान जितना भी था। एक दो रह भी गया वो यहाँ से बाज़ार से लेके आ जाएंगे। Thank you.
फ्रेंड्स, आप सब पूछ रहे थे कि आम का अचार कैसे डालते हैं, शेयर करना किस तरह से डालते हैं। तो अभी हमने जैसे जैसे बनाया था वो तो आप सब देख ही चुके हो पीछे की वीडियो में। पहले इसको हमने अचार को दल उतार लिया था इसका, और फिर इसको हमने रख दिया था एक दो दिन तक, ये रखा रहा डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया था नमक डाल के। तो फिर इसमें जो आँच निकलती है, जो इसका रस निकलता है आम का, वो सारा अचार में ही डाला जाता है। दो दिन तक की हमने इसमें धूप लगाई, जब ये थोड़ी सी वो हो गई सूखी सूखी सी, तो फिर आज हम इसका अचार डाल रहे हैं। और यहाँ पे परात में सारे वो कर लिए थे मम्मी ने, आम की जो फांक थी ये सब एक जगह कर ली थी। पहले इसमें जो इनका रस होता है वो सारा इसी में डाल लिया था, और उसके बाद इसमें डाल दिए मसाले। मसाले में क्या क्या डालते हैं वो भी आप सबको बता देती हूँ। एक तो धनिया, सौंफ, कलौंजी और मिर्च, लाल मिर्च अच्छी सी जिनमें अच्छा कलर आए वो। नमक भी हल्का सा डालते हैं, क्योंकि कुछ तो इसकी आँच बोलते हैं, ये रस रहता है जो आम का, इसको आँच बोलते हैं, कुछ तो इसी में रहता है। इसमें मिक्स कर दिया छान के छन्नी से आँच जो थी इसकी सारी, और मसाले में इसमें मेथी, सौंफ, धनिया, कलौंजी ये सब डाल दिया है। और अभी इसको खूब मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें जो ये आँच है इसकी अच्छे से मिक्स करनी है। फिर इसमें थोड़ा सा डालना है सरसों का तेल, मसाले धूप में रख के थोड़ा सा दरदरा सा करना है मसाले, ज़्यादा बारीक नहीं पीसने, दरदरे से ही पीसने हैं, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे, बीच सी के रखने हैं, ताकि इनमें अचार में जब जाएंगे वो मसाला तो अच्छा अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और टेस्टी भी लगता है बहुत। आम का अचार इसी तरह से बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। गरम मसाला तो नहीं डालते इसमें, बाकी सारे मसाले डालते हैं दरदरे। जैसे कि एक बार फिर से बता देती हूँ, मेथी, सौंफ, धनिया, कलौंजी और मिर्च, लाल मिर्च रंग वाली अच्छी सी, और नमक, हल्दी ये सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो इसकी इसका रस होता है आम का, आँच बोलते हैं जिसे हम, आँच भी इसमें सारी डाल देते हैं जिससे कि ये सूखी सूखी से ना रहे। और फिर बस इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिक्स करके डब्बे में रख देना है। एक दो दिन की धूप भी लगानी है डिब्बे में ही, और फिर इसमें और तेल डाल दे थोड़ा सा जिससे कि ये सूखी सूखी सी ना रहे। तेल सरसों का ही डालते हैं, कच्चा तेल डालते हैं हम, पका के नहीं डालते, उबाल के कच्चा ही डालते हैं सरसों का तेल। और बहुत ही अचार टेस्टी बनता है, हम पूरे साल चलता है, ख़राब नहीं होता, और बस इसी तरह से बन जाता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेती हूँ। अगर आप सबको जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं कल एक अच्छे सी वीडियो के साथ।